हाय बच्चों, कैसे हो? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है? ये आपका चैप्टर नया शुरू हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये क्लास 8th का टॉपिक है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। तो समर वेकेशन में पहेली जो थी और बूजो, वो लोग अपने चाचा के घर पर गए, ठीक है? देयर अंकल इज फार्मर, उनके पिता जो जो उनके आपके अंकल हैं वो क्या है, फार्मर हैं, ठीक है, किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स, एक दिन वो लोग कुछ टूल्स देखते हैं, कुछ औजार देखते हैं, जैसे खुरपी, सीकल यानी हसिया, सोवेल, प्लो यानी हल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो जितने जीव होते हैं वो खाना का रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनकी ज़रूरत होती है भूख, उनकी ज़रूरत होती है खाना, ठीक है? ये तो हम लोग जानते हैं कि जितने जीव होते हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये तो जानते हैं कि खाना वो खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो पौधे होते हैं वो तो खुद अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है? उनको सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, पानी चाहिए, वो लोग खाना बना लेंगे। लेकिन हम लोग कैसे खाना बनाते हैं? कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो खाना बना लेते हैं? तो मैंने बता ही दिया कैसे बनाते हैं, उनको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और साथ में जल चाहिए, बस वो बना लेंगे। लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन, ठीक है? तो जो आपके एनिमल्स होते हैं, जानवर और इंसान होते हैं, ये अपने से खाना नहीं बना सकते, ठीक है? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो उन्हें खाना वो मिलता कहाँ से, ठीक है, किसका खाना वो खा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, पहले हम लोग जान लेते हैं कि खाना खाते क्यों। तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, जीने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए हम लोग खाना खाते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाई दी ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि खाना से एनर्जी मिलता है, जिसका उपयोग जो जीव हैं वो करते हैं अपने काम करने के लिए, बॉडी फंक्शन करने के लिए, शरीर का जो गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए, डाइजेशन के लिए, पचन के लिए, पाचन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए, और एक्सक्रेशन के लिए मतलब गंदगी बाहर निकालने के लिए। ये सारी चीज़ों में वो एनर्जी की उन्हें ज़रूरत होती है, किनको, इंसान और जानवर को। और वो कहाँ से खाना लाते हैं भाई? तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हमें खाना या तो प्लांट से मिल जाता है, या इंसान को और खाना कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिल जाता है। हम लोग जानवर भी खा जाते हैं या प्लांट्स भी खाते जाते हैं, ठीक है, या दोनों खाते हैं, ठीक है। कुछ जीव जो होते हैं सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे गाय हुई, बकरी हुई। कुछ जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर हुआ और बाघ हुआ। और कुछ हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे बियर आपका जैकल हुआ और इंसान हुआ, ठीक है, या बिल्ली हुई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी को खाना देने के क्रम में ना हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, मतलब लगातार हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन उत्पादन करना पड़ता है पौधों का, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, व्यवस्थित जो है उसका क्या करना पड़ता है, उसका व्यवस्था ठीक ढंग से किया करना पड़ता है, सबको मिल पाए, सबको खाना मिल पाए, सबको आपका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल पाए, उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी, और उनको सभी को बांटा जाए समान रूप से, जिनको जितना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर खेती करनी पड़ेगी, ठीक है,
बड़े पैमाने पे क्या करना पड़ेगा, पौधों को उगाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे, खेती बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले ही इसको देख लेते हैं जो हिस्ट्री से उठा के दिया हमें, टिल 10,000 BC जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 10,000 साल पहले तक, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, आज से 2022 चल रहा है ना, तो 2022 साल पहले हुआ था, उससे 10,000 साल पहले। ठीक है, जो जीवन था इंसानों का, वो लोग नोमैडिक थे, मतलब जानवरों को मार के खा जाते थे या फिर घूमते रहते थे खाना के लिए, पौधों के फलों को खाते थे, तो नोमैडिक थे। ठीक है, घुमंतु थे। ठीक है, 10,000 BC तक। ठीक है, उसके बाद दे वर वंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो उस टाइम पे वे प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे खाना की तलाश में और रहने की जगह की तलाश में। ठीक है, और वो रॉ फ्रूट खाते थे और वेजिटेबल्स खाते थे। ठीक है, और जानवरों को भी कच्चा खा जाते थे, मतलब कच्चे चीज़ खाते थे उस समय तक वो लोग, क्या आपके फ्रूट्स खाते थे या वेजिटेबल्स खाते थे या फिर जानवरों को खाते थे। ठीक है, बाद में उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया, ज़मीन पे थे बहुत सारे, बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने राइस यानी कि चावल जो है प्रोड्यूस किया, व्हीट प्रोड्यूस किया, गेहूँ और बहुत सारे और फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, एंड दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहीं से जन्म होती है किसकी, एग्रीकल्चर की यानी खेती की। ठीक है, तो खेती क्या होता है, खेती आपका होता है बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या कहलाता है, क्रॉप आपका कहलाता है कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, कल्टिवेटिंग करना, ठीक है, एक ही तरह के पौधों को एक जगह पे, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, प्लांट्स, वैसे प्लांट्स है ना जिनको हम लोग उगाते हैं, एक ही तरह के प्लांट जो है उगाते हैं हम लोग एक खास जमीन पे या एक खास मौसम में आपके ना, एक खास जगह पे है ना, किस तरह से लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पे, तो उसको क्रॉप कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड वन एट वन प्लेस लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्या होता है, जब पौधों को, ठीक है, एक खास तरह के ही पौधों को उगाया जाता है एक प्लेस पर बड़े पैमाने पे, तो उसको क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर एक क्रॉप आप उगाते हैं गेहूं का, अगर क्रॉप है तो उसको तभी बोलेंगे गेहूं का क्रॉप, जब उस पूरे फील्ड में सिर्फ, उस पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के पौधे लगे हुए होंगे, तो उसको बोलेंगे व्हीट क्रॉप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, क्रॉप जो है व्हीट का तब कहलाएगा ना जब व्हीट के ही पौधे पूरे खेत में लगे हुए होंगे। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ सेरेल्स के होते हैं, सेरेल्स मतलब आपका अनाज हो गया, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, कुछ कुछ फल होते हैं। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इनको और भी आधार पे बांटा जा सकता है, जैसे कि किस मौसम में वो उगते हैं उस आधार पे भी क्रॉप्स को बांटा जा सकता है। ठीक है, कि कौन से क्रॉप्स हैं ये। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मान आपका जलवायु से जुड़ा हुआ माहौल है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, क्या होता है, तो क्या होता है, ये चेंज होते रहता है रीजन टू रीजन। एक क्षेत्र में कुछ और रहेगा जलवायु का कंडीशन, दूसरे क्षेत्र में कुछ और जलवायु का कंडीशन हो जाएगा। तो ये जो है, जैसे कि जलवायु में क्या क्या आएगा, आपका टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, टेम्परेचर मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब क्या आर्द्रता, और रेनफॉल यानी बारिश। ठीक है, तो इनके आधार पे हर एक रीजन में अलग अलग क्रॉप भी उगाए जाते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है हर एक रीजन में, हर एक भाग में देश के अलग अलग क्लाइमेट है, इसलिए अलग अलग पौधे जो है वो उगाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, देयर इज अ रिच क्या कह रहा है, देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन
इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसीलिए अलग अलग जो देश का हमारे जो देश है हमारा जो देश है उसका अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के पौधे उगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जो है डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इतना अंतर होने के बावजूद कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पौधे उगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फिर भी कुछ उनमें पैटर्न होता है. दो तरह के मेनली पौधे हमारे मतलब कि आपके क्या क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमारे देश में. ठीक है, मेनली दो तरह के क्रॉप्स हमारे देश में उगाए जाते हैं. ठीक है, कौन कौन सा, एक खरीफ क्रॉप और दूसरा जो है वो है रबी क्रॉप. ठीक है, खरीफ जो क्रॉप होता है ये आपके जून से लेकर के सितंबर के बीच में होता है, मतलब कि गर्मियों के टाइम से लेकर के बरसात पूरा होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट यानी कि मूँगफली और कॉटन यानी कि आपका कपास. तो आपका जो है जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम जो बरसात का टाइम होता है उस टाइम पे जो पौधे उगाए जाते हैं यानी कि जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, तो किस टाइम के क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, बरसात के टाइम के जो क्रॉप्स होते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो. दूसरा है रबी क्रॉप्स. तो रबी क्रॉप्स द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर. विंटर में जो अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में क्रॉप उगाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया, लिंसीड हो गई. ठीक है, तो इनके पौधे को जब उगाया जाता है तो इसको बोला जाता है रबी क्रॉप्स. ठीक है, तो कब के टाइम पे उगाए जाने वाले क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में जो पौधे उगाए जाते हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें और भी आ जाते हैं आपके क्रॉप्स, जैसे पल्सेज आ जाती हैं, जैसे चना था, मटर था, ये पल्सेज में ही आ जाएंगे. वेजिटेबल्स होती हैं कुछ, और आपके पल्सेज और भी तरह के होते हैं, दाल, ठीक है, या फिर सब्जियाँ जो समर में भी उगाए जाते हैं. कब, तो आपके मार्च से लेकर के जून के बीच में, मार्च टू जून, तो उनको जायद बोला जाता है. इसमें बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये तीन तरह के भी फसल उगाए जाते हैं. कौन कौन से, रबी और खरीफ, और एक गर्मियों के टाइम में समर टाइम में उगाया जाता है दाल, कुछ उगाया जाता है जैसे अरहर हो गया, और आपके सब्जियां उगाई जाती हैं, तो उस समर के टाइम के भी एक आपका कह सकते हैं कि एक क्रॉप होता है जिसको जायद बोलते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी. तो देखिए खरीफ क्रॉप कौन कहलाता है, खरीफ क्रॉप आपका कहलाता है जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप उगाए जाते हैं, जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उनको खरीफ कहा जाता है, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाए जाते हैं उनको रबी क्रॉप कहा जाता है, और जो समर में उगाए जाते हैं, ठीक है, वो कुछ दालें हैं या फिर कुछ सब्जियाँ हैं. ठीक है, तो आज का सेशन यहीं रखेंगे, कल पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो. ठीक है, थैंक यू.